श्रीराम स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से मेरे सभी भाइयों को राम राम। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्पीड के बारे में बताने वाला हूँ कि आप रनिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी रनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़े, अपनी रनिंग में जो स्टेमिना है वो कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी जानकारी लेने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा ताकि मैं आपको बताता रहूं और जो जो आपको करना है उसमें आपको पता चले कि आपको करना क्या है। तो देखो, मेरा काम किसी को पागल बनाना नहीं है, क्योंकि मैं भी 3 बार नेशनल खेला हुआ हूं और मैंने काफ़ी अच्छे से हार्ड वर्क किया है, नीचे से उठ के ऊपर तक गया हूं। और स्टूडेंट जो आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, और अब मैं अमन की बात करूँ, जो ब्लैक वाला लड़का है सबसे आगे भागता है, तो उसने 100 मीटर 11:01 की लगाई हुई है इसी वाले ग्राउंड पे जहाँ पे अभी ये स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, विश ड्रिल कर रहे हैं। तो अमन सबसे बेस्ट स्टूडेंट है और ये मेहनत भी करता है, गरीब बच्चा है लेकिन हमेशा मेहनत करता है, मेहनत में पीछे कभी नहीं हटता है। तो आपको भी ऐसी पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, अपना वर्कआउट करना पड़ेगा, ग्राउंड पर तब भी जाते हो। सोचा करो कि माँ बाप का नाम करना है हमेशा, ऐसे नहीं कि आप गए बैग उठा के और जो मन किया करके आ गए। हर दिन इसको देखना होता है, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने वर्कआउट को, कि हमने आज किया क्या है, रिकवरी करनी होती है और रेस्ट करना होता है जिससे आपका इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि आपका जो विरोधी होता है या आपका जो कॉम्पिटिटर होता है वो हमेशा आपसे ज़्यादा मेहनत करता है तब वो ऊपर जाता है। तो आपको भी ऐसी मेहनत करनी है और दूसरों से आगे निकलना है अगर मेडल जीतना है। तो आप मुझे कोई भी, अगर आपकी इंक्वायरी है किसी भी रनिंग के प्रति या स्पीड नहीं आ रही है, स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे, मैंने जैसे बताया, गवर्नमेंट जॉब भी बच्चे करते हैं, अभी भी 3 से 4 बच्चों का दिल्ली पुलिस के अंदर फिजिकल क्लियर हुआ है और एक स्टूडेंट SI भी बनी है दिल्ली के अंदर। तो मैं आपसे फिर यही बोलना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे किसी भी वर्कआउट के प्रति। तो अभी जो आप एक्सरसाइज देख रहे हो ये सब स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज होती हैं, इससे आपकी जो बॉडी की स्पीड है वो बढ़ती है, एक्सीलरेशन फेस बढ़ता है, जो हमारी बॉडी की स्पीड फेस आता है जिसको ट्रांजिशन फेस बोलते हैं। तो ये सारी स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज इसलिए की जाती हैं ताकि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए, आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओ, आपकी जो मसल मेमोरी है वो स्प्रिंटिंग को पकड़ने लगे। तो आपको ये सारी टेक्निक करनी होती है। मैं स्प्रिंट की बात करूँ तो 100 मीटर और 1600 मीटर वर्कआउट में या रनिंग में बहुत अंतर हो जाता है। मैं 100 मीटर की बात करूँ तो पूरी एक तरह से डॉक्टरी होती है कि स्टार्ट में क्या करना है, फिनिशिंग पे क्या करना है, बॉडी को कैसे चलाना है, हाथ को कैसे चलाना है। तो ये सारी टेक्निक होती हैं और आपको स्टार्ट कैसे लेना है। तो आज मैं बात करूँगा 120 मीटर और 80 मीटर, ये छोटी स्प्रिंट हैं, इसमें पावर की नीड होती है। और आप भी, चाहे कोई मेरा भाई 1600 मीटर करता है या 100 मीटर की तैयारी करता है, तो वो स्टार्टिंग में सबसे पहले वार्म अप करे, फिर स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज करे। मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है, उसके बाद आप धीरे धीरे ऐसे भागने लगोगे जैसे अमन भाग रहा है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर कि जैसे मैंने बोला था अमन सबसे बेस्ट, और आपको दिख भी रहा होगा वो भागने से कि वो सबसे आगे भाग रहा है। और आप उसकी टाइमिंग भी मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, इसकी फैमिली में डेथ होने के कारण ये ग्राउंड नहीं आ पाया, बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि गरीब बच्चा है, दूर से आता है, पैसे की कभी कभी कमी हो जाती है। लेकिन इसने हमेशा डेडिकेशन और पेशेंस के साथ अपने आप को हमेशा ग्राउंड पर रखा है और परफॉर्मेंस भी दी है। अभी देखो क्या होता है, मेहनत इसकी भी चल रही है और मैं भी कंटिन्यू इसके ऊपर मेहनत बरकरार है, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। और अपनी अभी जो तैयारी है वो देखो नेशनल में मेडल लाने की है। तो कोई भी आप कमेंट्स और मैसेज कर सकते हो किसी भी इंक्वायरी के लिए। मेरा काम, फिर मैं बोलूँगा कि पागल बनाना नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर जो स्टूडेंट कर रहा है वो कैसे भाग रहा है और कैसे उसकी रनिंग एक्शन है और कितना आगे जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, उसकी बॉडी में स्पीड कितनी है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। और ऐसे बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको जानकारी कैसे मिलेगी। तो किसी वर्कआउट के लिए आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज का वर्कआउट जय